हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लाइब्रेरी। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन से ही हो रही होती हैं। कोई मेटल हमको निकालना है सच एज आयरन फ्रॉम द आयरन ओर, कोई मेडिसिन है, मेडिसिन बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट होता है किसी केमिकल रिएक्शन का। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये सब चीज़ें न्यू प्रोडक्ट्स हैं विच वी यूज़ इन आर डेली लाइव्स, बट सम हाउ वी डोंट नो हाउ दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड। दे आर ऑल्सो बाय प्रोडक्ट्स, दे कैन बी द मेन प्रोडक्ट और द बाय प्रोडक्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मे अकंपनी अ केमिकल रिएक्शन, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कोई ना कोई नया सब्सटेंस तो बनता ही है, प्लस या तो हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, या कोई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, अ चेंज ऑफ स्मेल और ऑल टुगेदर अ न्यू स्मेल। देन इट सेज बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। In fact, burning of any substance is a chemical change because burning is always accompanied by production of heat. होता है ना, जैसे बचने के लिए लोग लकड़ी जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं। Why? Because burning of wood generate heat. Moving ahead, explosion of firework is also a chemical change. है ना, sound भी produce होती है, heat भी produce होती है, light भी produce होती है। पटाखे जलाते हैं आप दिवाली पर, नहीं जलाने चाहिए, because along with heat, light and sound, they also pollute the atmosphere, है ना, तो वो air pollution करते हैं, तो we should not play with fireworks. Okay, when food gets spoiled, it produces a foul smell. होता है कभी कभी हम खाना देख रहे होते हैं, खाने लायक है कि नहीं, बासी खाना तो नहीं है, तो अगर खाना बासी है तो एक स्मेल से आती है, is that also a chemical change? Yes, that is also a chemical change. If the food is having foul smell, it means some chemical change has occurred in that food. अगर हम बोल रहे हैं दही खट्टी हो गई है, what does it mean? It means milk से जो दही बननी थी, you know, we add that खट्टा thing, lactobacillus microorganism, lactobacillus bacteria is there in curd, which is required for our body. उसको जब curd बनाना था, that has been produced, but अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा देर बाहर रख दिया, बाहर in the sense वार्म प्लेस पे रख दिया है, सनलाइट में रख दिया है, या इन समर्स आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा है, तो वो दही खट्टा हो गया है, वो स्पॉइल हो गया है, सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू अ केमिकल चेंज। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल अक्वायर अ ब्राउन कलर। है ना, हम बोलते हैं ना एप्पल काटा है तो मम्मी बोलती है फटाफट से खा लो नहीं तो काला हो जाएगा, और अगर आलू काट रही हैं मम्मी खाना बनाने के लिए तो मम्मी क्या करती है, उसको पानी में भिगो के रख देती हैं। Why? नहीं तो वो काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों? Have you ever thought? ऐसा क्यों होता है? That is also a chemical change. Plant produce their food by the process called photosynthesis. Is it a chemical change? Yes. Why? Why is it a chemical change? Because new products are formed in this change. Digestion is also a chemical change. Breakdown of food. That is also a chemical change. So many gases and so many byproducts are formed in this chain. You must have heard about the ozone layer in the atmosphere. Ozone is nothing but O3. Okay, it is also a type of oxygen only. Normal state of oxygen is O2. So ozone is O3. Ozone basically protect the earth from the ultraviolet radiations coming from the sun. You must have heard about ozone hole. Ozone layer is getting destroyed and a hole is formed in this ozone layer, and if this hole will increase, the more ultraviolet radiation will come down on earth. So healing of ozone layer is must. Then again, coming back to rusting of earth, what happened when iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. ठीक है, आयरन से आपके शिप बनते हैं, कार बनते हैं, ट्रक बनता है, बहुत कुछ बनता है, तो बेसिकली रस्टिंग होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स गो डीपर। आयरन इज Fe प्लस O2 फ्रॉम द एयर, वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर,
प्लस H2O, वाटर मॉइस्चर भी हमेशा रहता ही है, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, रेनी सीजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, समर्स में थोड़ा कम रहता है, बट इट इज़ देयर इन द एयर. सो इट विल फॉर्म अ रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर, इफ नॉट अ बकेट ऑफ वाटर बट वाटर वेपर इज असेंशियल. इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई, विच मीन्स इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. सिंपल फंडा, ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए रस्टिंग होने के लिए. लोहे को जंग लगने के लिए पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए. तो आप या तो हवा को रोक दो, नहीं कर सकते हम तो ऐसा, या फिर आप पानी को रोक दो. अब पानी डायरेक्ट तो आप नहीं डालेंगे, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, तो उसमें मॉइस्चर है. मॉइस्चर सी के पास वाली हवा में ज़्यादा होगा, रेनी सीजन में ज़्यादा होगा, बट मॉइस्चर कंटेंट तो होगा ही. सो हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग? वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. पेंट करते हैं आयरन मटेरियल को, वो इसीलिए करते हैं ताकि जो गैस है वो आयरन तक ना पहुँचे, ऑक्सीजन गैस. पेंट इसीलिए किया जाता है ताकि हवा और पानी, यानी कि जो मॉइस्चर है प्लस ऑक्सीजन, वो आयरन तक ना पहुँचे और उसको रस्ट ना करे. अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल. आप आयरन के ऊपर कोई और मेटल की लेयर चढ़ा दो, क्योंकि रस्टिंग तो सिर्फ आयरन की हो रही है ना. आयरन प्लस H2O प्लस O2 इज मेकिंग आयरन ऑक्साइड. इफ़ आई रिप्लेस इट विद जिंक और क्रोमियम तो नहीं होगा. जिंक प्लस O2 प्लस H2O, तो क्या जिंक ऑक्साइड जो होगा वो भी रस्टिंग कर रहा है? नहीं कर रहा. सो अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गल्वनाइजेशन. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आर होम्स टू कैरी वाटर आर गल्वनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. तो जो वाटर पाइप्स होते हैं हमारे घरों में, ऑल दिस पाइप्स आर मेड अप ऑफ आयरन, बट दे हैव अनदर लेयर ऑफ जिंक ऑन देम. यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, एंड ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंजिंग टू द शिप्स आउटर सर्फेस. पानी ऊपर से गिर रहा है, कहीं से लीकेज हो रही है, या वैसे भी मतलब आप सी के अंदर हो तो यू कैन नॉट बी यू नो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वाटर. पानी में रह के पानी से कैसे बचेंगे आप? सो देयर इज़ ए ह्यूज मोनिट्री लॉस ऑल ड्यू टू दिस रस्टिंग. सो देर आर सम पार्ट ऑफ द शिप ऑलवेज गेट रिप्लेस्ड एवरी ईयर. देन वी विल कम टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. हम सी वाटर इकट्ठा करते हैं और उसको वैपोरेट करते रहते हैं, गर्म करते रहते और फाइनली वी गेट क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट. द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशन. लाइक यू आर मेकिंग कॉपर क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. एंड दिस इज अ फिजिकल चेंज. यू विल से कि नो अ न्यू थिंग इज गेटिंग फॉर्म. नो, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग न्यू, यू आर जस्ट इवेपोरेटिंग वाटर और यू आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम इट्स ओन सोल्यूशन. लाइक कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम आयरन ऐड कर रहे हैं एंड फाइनली वी आर गेटिंग आयरन सल्फेट, दैन इट्स अ केमिकल रिएक्शन. बट अगर हम कॉपर सल्फेट से कॉपर ही निकाल रहे हैं फाइनली बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैन वी आर नॉट गेटिंग समथिंग न्यू. न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड. सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, नॉट द केमिकल चेंज, माइंड इट. वील डू एक्टिविटी 6.9. इन दिस एक्टिविटी we'll perform crystallization and we'll finally get crystals of copper. So how we will do it? We'll take a cupful of water in a beaker and we'll add few drops of dilute sulfuric acid in it. Sulfuric acid is basically H2SO4 and dilute means we have added water to it. Then we will heat the water and when it starts boiling, we will add copper sulfate powder slowly while continuously stirring it. आप उसको मिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि वो पाउडर डिजॉल्व होता रहे. एंड यू विल कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व.
and finally we'll filter the solution. When we will filter the solution, we'll allow it to cool, and what we will get, we'll get crystals of copper sulfate on that filter paper. Okay, so that is crystallized. So if I summarize this chapter, there are two changes, physical change and chemical change. So physical changes are changes in the physical properties of substance. And what are physical properties of any substance? It can be its size, shape, color or state. So any change in these physical properties is known as the physical change. And these changes can be reversible. These are reversible changes. In chemical changes, new substances are produced, and these are irreversible changes most of the time. Some substances can be obtained in pure state from their solution, and this is called crystallization. Solution, we have a solution of a particular substance, a particular metal, and we are purifying that. We are obtaining pure crystal of that particular metal or substance from its own solution. That process is called crystallization. So I hope this is clear by now. If you have any query, do let me know. Thank you so much. If you found this video helpful, then please like and share the video and subscribe to the channel Digital Library. Thank you for watching.